इतिहास के पन्नों से आज फिर आपके लिए कुछ नया निकाल कर हम आज लेकर आए हैं। तो क्या हुआ था आज की इस तारीख को, चलिए इसे जानते हैं। 22 मई 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुगली जिले के राधा नगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 कोलकाता में की थी। ये भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में इन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। इन्होंने 1809 में तथा 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी कार्य किया था। बाल विवाह, सती प्रथा, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का इन्होंने भरपूर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैग्नन मैग्नीज, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे पत्रों का संपादन किया था। राजा राम मोहन राय ने 3 विवाह किया था। राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर द्वितीय द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई, इसीलिए उनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ा, नहीं तो उनका नाम राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय को गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का पितामह भी कहा था। 27 सितंबर 1833 में स्टेपटन ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज के लिए इतिहास के पन्नों से इतना ही। फिर मिलेंगे कल इतिहास की कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय